राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिभाशाली युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर स्वर्णिम सेवा सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासन के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वर्णिम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस पखवाड़े में हम विशिष्ट लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट सेवा दी है। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि केंद्र की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान और दलहन के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये पूरा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों का सम्मान करना और आज राजनांदगांव के कार्यालय में उन लोगों ने जिन्होंने अपने राजनांदगांव का नाम गौरवान्वित किया है, विशिष्ट सेवा दी है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कल्चर के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में, उन सभी का सम्मान एक पार्टी के माध्यम से मोदी जी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। ऐसे पूरे अभियान पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। यहाँ के विशिष्ट जनों से भेंट मुलाकात कर पार्टी के रीति नीति के संबंध में जानकारी देना, आज नेता प्रतिपक्ष भी इसी अभियान के लिए आए हैं और विशिष्ट लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी रहा। 4 सालों में लगातार धान के ऊपर हर साल 100 से लेकर 150 रुपया की वृद्धि हो रही है और 400 रुपया की वृद्धि पिछले 4 सालों में मैं देख रहा हूँ हो रहा है। अभी 100 रुपया की वृद्धि धान का कीमत अब 2040 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है वो 2040 हो गया आज से और दलहन में 300 रुपया की वृद्धि की गई। ये हर साल सरकार के द्वारा और ख़ास तौर से मोदी जी के आने के बाद किसानों के लिए बहुत सारे वृद्धि। रिया बास्केटबॉल में जामिनी वर्मा, ये सारे प्रतिभा और जिस बच्चे वो गिटार के माध्यम से अपनी बात पूरे आज बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हें सम्मानित करना है तो दोनों हाथ उठा के और इस विश्वास के साथ राजनांदगांव की प्रतिभा परंपरा है उस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम कार्य तो लोगों ने कहा कि वो भाग्यशाली है, प्रवक्ता व्यापार प्रकोष्ठ उपस्थित हुए हैं, हम उनका राजनांदगांव में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जुड़ेंगे और सम्मान के क्रम में मैं उस युवा को यहां आमंत्रित करना चाहता हूं। सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका से ये कोर्स किया मई 2000। तिवारी को आमंत्रित करूंगा, आपने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आपके हुनर का सम्मान, आपकी प्रतिभा का सम्मान। मैं अब अगले क्रम जीता है वर्ल्ड गेम पेरिस में डिंपल धोबी सम्मानित हो रही हैं अतिथि गणों के कर्तव्यों से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले क्रम पे मैं बास्केटबॉल मिलता रहेगा तालियों के माध्यम से मोना गोस्वामी, और अगले क्रम पे मैं आमंत्रित करता हूँ बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने कई राष्ट्रीय स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता, पेरिस वर्ल्ड गेम में शान। इसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बच्ची जो गांव की है, ग्राम खैर झुटी की, इनकी मम्मी नहीं है, मम्मी का स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने ये ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, दामिनी वर्मा।
क्रिकेट, इसके बाद हम उस बच्ची का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिसके चर्चे अभी आम हैं, हर रोज जिसे हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, जो लगातार राजनांदगांव और सहित पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है लगातार। दीपक, अगले क्रम पे मैं 97% अंकों के साथ राज्य में जिन्होंने नौवां स्थान बनाया, 12th में आपने नौवां स्थान बनाया, मुस्कान गजवीय। फिर से हम शिक्षक की बात करें, 87 नागदेवे हैं, 10वीं क्लास में आपने 87% अंक प्राप्त किया है। और अगले क्रम पे मैं महिला हॉकी खिलाड़ी जो भारतीय टीम में लगातार आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया इंडिया स्किल नेशनल बेस्ट टेक्नोलॉजी परीक्षा केंद्र सरकार। श्रुति पंचवानी टीम में काम किया है, अच्छा काम किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.